राम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। हाँ श्रीमद् भागवतम कक्षा में अमृत शास्त्र, अमृत मंथन। और पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, हम माँ भीष्म स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले सेक्शन में इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से, कि मेरी अन्य बहुत जगह पर मेरी मति लगी हुई थी, लेकिन अभी मेरी मति उसमें से निकाल कर मैं आप में लगा हुआ, ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करें। और मैं अन्य कुछ अन्य किसी भी प्रकार की भावनाओं को छोड़कर केवल बस कृष्ण भावना, केवल आपके बारे में स्मरण करना चाहिए, केवल आप ही के ऊपर मन एकाग्र करना चाहिए। और ये किसी भी भक्त की एक मनोवांछा रहती है और होना चाहिए। और जिस प्रकार से भगवान के ऊपर चिंतन करते, फोकस करते, उस प्रकार से उसी रूप में, उसी स्वरूप में भगवान को प्राप्त करते और अपने स्वरूप को भी प्राप्त होते। और अभी फिर इसी प्रार्थना करने के बाद वो भगवान को, भगवान का जो स्वरूप उन्होंने युद्ध भूमि में देखा था, उसके ऊपर ध्यान करना प्रारंभ किया। तो भगवान का स्वरूप कैसे, भगवान का रंग किस प्रकार से, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण रवि कर गौरवराम ददाने विजय सखे रथि, मेरे रथी आप में लगे रहे हैं भगवान, आप तमाल वर्ण के जैसे त्रिभुवन त्रिभुवन में लोगों को आकर्षित करने वाले हैं, आपके आपका चंदन चर्चित मुखमंडल है, तो वो सुंदर मुखमंडल है, इसमें मेरे रथ रहे हैं विजय सखे हैं अर्जुन के मित्र। और फिर वो आगे प्रार्थना करते हैं कि हे जहाँ पर मित्रतावश आप भगवान के अर्जुन के घोड़ों को, अर्जुन के घोड़ों को सहला रहे थे, अर्जुन के रथ को चला रहे थे, और भगवान अपने भक्तों के खातिर आप घाव सहन कर रहे थे, आपका मुखमंडल पसीना पसीने से रत हुआ था, और ऐसे आपको मुखमंडल शोभायमान था, इस प्रकार से भगवान की वो इस रूप में भगवान का स्मरण करते हैं और मेरा मन इसी स्वरूप में लगा रहे, इस प्रकार से वो प्रार्थना करते। और फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं कि आपके मित्र ने आपको आदेश दिया, आपके भक्त अर्जुन ने आपको आदेश दिया कि दो सेना के बीच में लेकर चलो, और आप भक्त वत्सल हैं इसलिए भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं, और फिर आप दोनों सेना के बीच में लेकर गए उस रथ को, और आपने सारे सेना शत्रु पक्ष के सेना के प्रति आपने दृष्टि कटाक्ष डाला, और उनके दृष्टि कटाक्ष से ही आपकी उनकी आयु आपने क्षीण कर दी। इस प्रकार से ब्रह्मांड विश्व रूप विराट रूप जब अर्जुन को दिखा रहे थे भगवान, उस विराट रूप में ही अर्जुन को बता रहे थे कि देखो समय टाइम के रूप में, काल के रूप में मैंने सबको, सबके आयु पहले से क्षीण कर दी, सबको पहले से मैंने नष्ट कर दिया, बस अभी तुम केवल निमित्त मात्र भगवत शब्द, केवल निमित्त मात्र। इस प्रकार से यहाँ पर भी विष्णु पितामह वही कह रहे हैं कि भगवान ने अपने दृष्टि से सारे शत्रु पक्ष के सैनियों सैनों की उन्होंने आयु हरण कर ली। इस प्रकार से भक्तों के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। आइए अगले श्लोक से, श्लोक नंबर 36 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 36,
आपको हरे कृष्णा, मैंने तुम्हें तो ये है श्लोक का 36 अधिकार। आप सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ, यस प्रभु जी। किसी का आवाज नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, देखिए आपको आवाज आता है तो आप पीछे दोहराइए। हाँ भाई। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष व्यवहितप्रुतनामुखं निरीक्ष स्वजनवधाद्विमुखस्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या दोषबुद्ध्या कुमतिमद्भादात्मविद्यया चरणरति चरणरति परमास्यतस्यमेस्तु। परमास्यतस्य युधिष्ठिर में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अति कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर उनके चरण कमल सदाशन के लक्ष्य बने रहे। इस प्रकार से वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है उसको? हरे जी प्रभु जी। हरि बोल।
तो यहाँ पर ये श्लोक पढ़ा, वो आवाज आई है? मेरी आवाज है, आ रही है? हाँ आवाज थोड़ा ब्रेक होता है जी, बीच बीच में था कंटिन्यूस था। सर क्लियर आवाज क्लियर ब्रेक होता आवाज, अरे है, आवाज आवाज ब्रेक होता है। अरे वीडियो पर पॉज होता है मुझे। अरे आवाज नहीं, अरे भी वही। ओके हाँ हाँ ठीक है। तो विवाहित पुतना मुखम निरीक्षा स्वजन वधा विमुख से दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मा विद्या यश्चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु। हे भगवान, भगवान को प्रार्थना करते हैं, विवाहित पुतना मुखम निरीक्षा स्वजन अवधा विमुखस्य विमुख स्वजन अवधा, स्वजन के प्रति वध करने के लिए आप विमुख हो गए थे, अर्जुन विमुख हो गया था, और इसलिए दोष बुद्धि आ गई थी उसके पास, कुमति कुमति के कारण, अल्प ज्ञान के कारण, इसलिए आपने उनको ये ज्ञान बताया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया आपने। आपने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि उसके दोष नष्ट हो गए, उसमें पूरी तरह से ज्ञान प्रकट हुआ, और वो तुरंत अपने कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर रहे। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तो भगवान वो मेडिटेट कर रहे हैं वन बाय वन। देखिए आप भी इसको ना मेडिटेट कर सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले उस श्लोकों में क्या किया, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और रति भगवान में लगे, भगवान में अपना मन लगे, ध्यान लगे, इसके बारे में प्रार्थना की और भगवान के को ध्यान करने लगे। तो भगवान के रंग का रूप का वर्णन करने लगे, तमाल वर्णम रवि कर करण, उसके बारे में वर्णन करने लगे। और फिर भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पर थे, और उनका रंग ऐसा दूसरा रंग का था, दो घोड़ों के टापों की धूल उनके ऊपर उड़ गई थी, इस प्रकार से उनका वर्णन करते हैं। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को की सेवा के रूप में वहां पर तत्पर हो गए, उसने कहा ऑर्डर की और ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार हो गए। तो वीरता का सीन पूरा आ गया सामने, और अभी फिर आगे चलकर दोनों सेनाओं के बीच में आ गए, और उन्होंने दृष्टि कटाक्ष से ही उनकी आयु हर ली और उस अपोजिट पार्टी की। और अभी अर्जुन सबको देखकर मायूस हो गए और शोक में आ गए स्वजन के कारण, स्वजन हित के कारण। तो इसलिए अभी उनको फिर से अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तो भगवद गीता भी बताई। और भगवद गीता बताने के बाद आगे क्या होगा, फिर अगले श्लोक में आएगा कि वो युद्ध किए कैसे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो उसको याद रखना भी सीक्वेंस आसान हो जाएगा। भीष्म देव की स्तुति, इसको याद रखना आसान हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाला सैनिक के समक्ष खड़ा होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक क्षत्रिय वीर के बारे में पूरा तात्पर्य देते हैं कि क्षत्रिय वीर किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से आज के राजनीतिज्ञ हैं जो घर में बैठते हैं और ऑर्डर छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से पहले के क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, और वो सबसे पहले आगे फ्रंट लाइन में होते थे युद्ध के लिए, ताकि उनके सेना को भी उत्साह। और देखिए ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये भी एक पाठ रूपा जी बताते हैं शास्त्रों में, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जनताओं को राजाओं के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता,
लेकिन आज वैसे नहीं है, आज पूरी जनता उसमें इन्वॉल्व भी रहती है और जनता उससे सफर होती है। जनता सफर होने का इन्वॉल्व होने का कारण एक है कि क्योंकि जनता अगर इन्वॉल्व नहीं है तो जनता को सफर होना पड़ता है, क्योंकि राजा किस प्रकार से है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर तात्पर्य व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है कि राजा कौन है, दुर्योधन है या अर्जुन है या युधिष्ठिर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो केवल अपने आय का, इनकम का एक चतुर्थांश भाग, यहाँ पर पहले की जो पद्धति उसके बारे में बताया गया है कि उन्हें तो अपने आय का चौथा भाग शासक को देना होता है, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। और चाहे अर्जुन हो या दुर्योधन, दोनों का कार्य एक ही है कि प्रजा को कष्ट नहीं होने चाहिए, प्रजा को संकट नहीं। युद्ध भले ही हो जाए लेकिन राजा और सेना ये सब चीजें हैं, लेकिन कुछ तो ये है पूरी तरह से नीति के अनुसार किए गए युद्ध। लेकिन कभी कभी कुछ राजागण ऐसे भी हुआ करते थे कि अगर किसी राज्य को अगर लूटा उसने, अगर राजा को मार दिया तो राज्य को पूरा लूट कर, लोगों को मार कर, स्त्रियों को परेशान करते हुए वो वहां से जाते थे। तो इस प्रकार से भी कुछ राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर अभी प्रार्थना ये कर रहे हैं, अर्जुन की बुद्धि कलुषित तो हो गई थी अन्यथा देहात बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े। कलुषित बुद्धि जीव के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता? तो अर्जुन कृष्ण के संगी थे और उनकी बुद्धि कलुषित कैसे हुई, ये प्रश्न है। लेकिन भगवान ने ऐसी परिस्थिति निर्माण की ताकि उनको गीता कहना था, ताकि हम जैसे लोगों को गीता मिले, इसलिए अपने भक्तों को वो एक माध्यम बनाते हुए ये भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने प्रकट किया। तो इस प्रकार से तो वही तात्पर्य हम लिखते हैं। श्लोक क्रमांक 37 कोई पढ़िए यहाँ पर। हाँ फिर के वो पढ़िए, उसको बहुत शेयर करना पड़ेगा ना। श्लोक क्रमांक स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो मृतमधिककर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभयाच लद्गो। धृतरथचरणोऽभयाच चलद्गु हरे वन्तुमिभं गतो तरीया। हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीया। उत्तरीय उनका घेर गया है। गत उत्तरीय स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगमम अपनी अपहाय यानी करने के लिए मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मृतम आदि। तो भगवान
बहुत परेशान कर रहे हैं आप। मेरी इच्छा पूरी करते हुए, तो वो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, भगवान के भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, और प्रभुपाद जी वो सिनेरियो पूरा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सी इच्छा भगवान की थी, कौन सी प्रतिज्ञा भगवान ने ली थी, कौन सी प्रतिज्ञा विष्णु पितामह ने ली थी, तो वो एक बैकग्राउंड यहाँ पर बता रहे हैं कि महाभारत का एक सीन बता रहे कि जहाँ पर भगवान जहाँ पर वो, क्योंकि विष्णु पितामह जो लड़ रहे थे, लेकिन पांडवों के प्रति उनका थोड़ा सा था, इसलिए पूरी तरह से लड़ नहीं रहे थे, और इसलिए वो पहले कहे भी थे कि पांडवों के वो वध नहीं करेंगे, लेकिन दुर्योधन आकर उनकी बहुत भर्त्सना करते हैं भीष्म पिता, तो इसलिए वो बहुत क्रोधित होकर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल पांचों पांडव को विशेष शस्त्र से मैं उनको मारूंगा, ऐसे वो प्रण लेते हैं। और दुर्योधन वो पांच बाण लेकर जाता है, पांच बाण विशेष बाण थे, और दुर्योधन लेकर जाता है, बोलते हैं मेरे पास है तो कल आपको मैं दूंगा युद्ध भूमि। और ये बात कृष्ण को पता चलती है, और कृष्ण के भी प्रकार से अर्जुन को कहते हैं कि उठो जाओ और दुर्योधन से पांचों बाण मांग लो, क्योंकि एक बार जब वन में थे तो गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा की अर्जुन ने, तो फिर और दूसरे में दुर्योधन ने अपने बड़े मन को, सम्मान को बड़ा मानते हुए, अपने आप को बड़ा दिखाते हुए कहा कि जब भी तुम्हें कुछ जरूरत पड़े, या फिर उन्होंने कहा था कि मांगो अर्जुन तुम्हें, हमें कुछ भी देने का रहेगा, तो अर्जुन बोले जब समय आएगा तो मांगूंगा। और अभी यहाँ पर वो भगवान कृष्ण उसकी याद दिलाते कृष्ण अर्जुन को, और कहते कि जो मांगो, और बोलो कि पांच बाण विशेष बाण जो भीष्म पितामह से आपने लिए है वो मुझे चाहिए। और उसी समय रात को तंबू में जाता है दुर्योधन के अर्जुन, और वो पांच बाण मांग के लेकर आते, और फिर वही पांच बाण जब दूसरे दिन भीष्म पितामह मांगते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन बोले कि वो तो अर्जुन लेकर गया, तो उस समय भीष्म पितामह समझते हैं कि ये कृष्ण की चाल है, क्योंकि कृष्ण के बिना ये ऐसा कोई कर नहीं सकता, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ यहाँ पर, तो इसलिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं भीष्म पितामह कि आज या तो अर्जुन मरेगा या फिर भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी कि वो युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अभी दोनों में से एक कुछ करना, भीष्म पितामह इतना भयानक युद्ध करने लगे उस दिन, सही में ये युद्ध इतना भयंकर था कि सब कोई बाकी युद्ध छोड़कर भीष्म पितामह का युद्ध देखने लगे थे, जैसे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ पर। तो यही एक पूरे युद्ध भूमि पर सबसे आकर्षण का केंद्र बिंदु था, और भयानक युद्ध चल रहा था उस समय। भगवान भी भगवान के शरीर पर भी घाव हुए थे कृष्ण के, और अर्जुन के शरीर पर भी घाव हुए थे, अर्जुन भी लहू लुहान था। और फिर उस समय अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे, कृष्ण महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, कृष्ण को कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे तुम भी उतने ही वीरता से और तेज से लड़ो, भीष्म पितामह पर बाण चलाओ, लेकिन अर्जुन पितामह के को देखकर अपने स्किल को दिखा नहीं पा रहा था, युद्ध कर नहीं पा रहा था, और भीष्म पितामह इतने जोर से युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को उनका सामना करना मुश्किल हो रहा था। और अभी बस अर्जुन मरने वाला था तो भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, भगवान कृष्ण ने नीचे उतरे रथ से, बाजू में रथ का पहिया पड़ा था, उस के पहियों को या और कृष्ण के ऊपर वो भीष्म देव के ऊपर धमाल को जोर से बोलने लगे, नहीं भगवान आप आपकी प्रतिज्ञा तोड़ो मत। तो इस प्रकार से ये सीन है, उस सीन को याद कर रहे हैं कि एक-एक इसमें देखिए बहुत बारीक निरीक्षण है भीष्म पितामह का, तो इसका मतलब वो केवल लड़ने रहे थे, उनका दोनों का यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, दोनों का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, और बीच में अर्जुन बेचारा एक रोस्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो लोगों के झगड़े चल रहे हैं, बीच में कोई आता है उसी को फटके मिलते हैं, और दो लोगों के जैसे माता पिता का झगड़ा हुआ और बेटा अगर बीच में है
तो माँ बाप के हाथ में अगर बेटा है तो माँ का गुस्सा पूरा बेटे पर निकलता है, उसको धो देता है, मार देता है, मार देता है। जैसे वो एक जोक से देखिए कि वो बेटा बीच में बैठा हुआ है और बाप उसको पूछ रहा है कि बेटा क्या खाएगा, एप्पल खाएगा, संतरा खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, तो बोलता है नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो बाप बोलता है नहीं, पीने के लिए बोल रहा था, वो जूस पिएगा, पानी पिएगा, ये पिएगा, वो पिएगा। तो बेटा बोलता है नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तो बाप बहुत गुस्सा हो गया उसको और बोलने लगा तू माँ पर ही गया है, जैसे खून ही पिएगा, जैसे माँ मेरा खून पीती है वैसे। तो गुस्सा निकालना था माँ के ऊपर, लेकिन बेटा बेचारा बीच में मिल गया। तो बेटा उधर से भाग रहा था तो माँ ने बोला इधर आ, इधर इधर आ बेटा, तो रोटी खाएगा तो बेटा नहीं खाएगा, और एप्पल खाएगा नहीं खाएगा, और क्या खाएगा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो माँ बोलती है बाप पर ही गया है, चप्पल ही खाएगा। तो ऐसे माँ को बाप को चप्पल दिखाना था और बाप को माँ को वाइफ को ऐसा कहना था, लेकिन बीच में बेटा बेटा बेचारा आ गया ऐसे। तो बेटे की धुलाई हो रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का और कृष्ण विष्णु पितामह का जो संबंध चल रहा है वो एक दूसरे का संबंध है। यहाँ पर अर्जुन बेचारा लहू लुहान हो रहा है। तो एक ही साथ भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं। यहाँ पर अर्जुन को भी एक मैसेज है, लेसन था, इस प्रकार से महाअर्जुन बताया गया है। लेकिन यहाँ पर तो इतना बारीक, अगर उनको अर्जुन को ही मारना था तो बारीक इतना निरीक्षण वो कृष्ण का कैसे करते। कृष्ण उठे, भगवान अर्जुन को देख कर कृष्ण रथ का पहिया उठाया, कृष्ण की उत्तरी गिर गई, एक एक चीज बारीक चीज का निरीक्षण कैसे करते। कृष्ण की उत्तरी गिर गई वो भी उनको याद है और बताते कि कृष्ण की उत्तरी गिर गई और मुझे मारने के लिए आकर मेरे सामने खड़े हो गए, और खड़े हो गए। अभी उनको अर्जुन को ही मारना था, तो अर्जुन तो अभी खाली है, रथ के नीचे भी है। तो भीष्म पितामह अपने शस्त्र को रख दिए, धनुष को नीचे रखे और कृष्ण की तरफ देख रहे। कृष्ण कह रहे भगवान मारो मुझे, इसी का इसी क्षण का मैं इंतजार कर रहा था कि आपसे मेरा वध हो, इससे इससे अधिक और क्या चाहिए मुझे। तो ये दोनों के बीच में संबंध चल रहा था और ये कृष्ण भी उसको जानते थे कि ये इतना फाइट क्यों कर रहे, ये मेरी प्रतिज्ञा भंग करने के पीछे। तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को पीछे रखा और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर थे और इसलिए वो चाहते हैं तो भीष्म को परास्त कर सकते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र वो रथ पर चले थे जिसको कृष्ण ने होल्ड करके रखा था, जो प्रभाव निष्प्रभा निष्प्रभा किया था, उसके प्रभाव प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। तो भीष्म वो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है भगवान कृष्ण को उनको मारने के लिए, लेकिन अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार से आदान आदान प्रदान करना भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान ने उनको भगवान खुद वहां पर अपने शस्त्र लेकर उनके सामने प्रकट हो। तो ये एक तो ये भगवान की विशेष इच्छा पूर्ण की, उसकी प्रतिज्ञा बच्चा है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद, और दूसरी प्रतिज्ञा दूसरी इच्छा ये पूर्ण की कि अभी उनके सामने खड़े हैं भगवान, दोनों इच्छा उनकी पूर्ण की। तो ये भक्तों के और भगवान का आदान प्रदान है। अभी ये भक्तों का और उनका आदान प्रदान है ना, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते रखिए, तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं ही अपने प्रिय प्रभु कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सके। उस समय वो वहां का युद्ध उस समय फिर खत्म हो गया। निसंदेह अर्जुन को लाश पड़ेगा, निसंदेह अर्जुन को मृत्यु की कोई संभावना न थी क्योंकि साक्षात भगवान अथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्म देव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, तो भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अपनी मृत्यु सन निकट जान पड़ी। भीष्म देव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े हो गए कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो परिस्थिति भी भगवान ने ऐसे निर्माण की, नहीं तो कैसे भगवान को शस्त्र उठाना मतलब कोई साधारण बात है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण की कि शस्त्र भी उठाया, एक ही साथ दोनों काम किया भगवान ने, एक ही साथ एक एक काम किया क्या, भीष्म की प्रतिज्ञा रखी,
विष्णु के प्रतिज्ञा को विशेष स्थान दिया, और दूसरा अपने भक्त की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की। तो अपने आप दोनों में, दोनों ही जगह पर अपने आप को उन्होंने निछावर करते हुए, अपने आप को निम्न रखते हुए भक्तों की उन्होंने रक्षा की, दोनों की रक्षा की, एक के वपु की रक्षा की, दूसरे के वाहिनी की रक्षा की। श्लोक नंबर 38 आप देखिए आपके पास होगा, पता नहीं यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ तो जाता है मेरा, मैं शेयर नहीं करता, और कोई करे। हाँ बैरागी भू पढ़िए। शीत विशिख तो विशीर्ण दंश, शिथि विशिख तो विशीर्ण दंश, क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे, क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे, प्रसभमभिसारमध्वधार्थम्, प्रसभमभिसारमध्वधार्थम्, सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द, सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, मुकुंद नाम का है, वे मेरे अनंत अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। भगवान की सिद्धि किस प्रकार से हुई थी वो बता रहे, भगवान का निरीक्षण, इतना अच्छे से निरीक्षण कैसे कर पा रहे, वो युद्ध में इतना टाइम मिलता है क्या निरीक्षण करने के लिए, इतने सारे शत्रु है। लेकिन आपने देखा है कि कोई अगर एक्सपर्ट हो, 10-15 साल से अगर एक ही कंपनी में काम करता हो, एक ही लाइन में काम करता हो, उसको ऐसे नट घुमाने हैं तो इतने प्रैक्टिस होती है उसकी कि वो करते करते बहुत सारे काम करते। और कोई वो हार बढ़ाने वाला होता है, देखो वो ऐसा वो भी एक है। एक्सपर्ट ही नहीं है लेकिन वो भगवान के प्रति उनके विशेष अनुराग है, वो भी यहाँ पर बताए गए। इसके कारण भगवान का निरीक्षण कर रहे हैं, और आगे के श्लोक में आएगा कि वो बताते हैं कि भगवान का अधिक निरीक्षण भीष्म ने किया, कृष्ण ने नहीं किया उतना जितना भीष्म ने किया। रूपा जी देखो तात्पर्य बताते हैं कि ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। देखिए अभी ये दोनों भक्तों के बीच का संबंध है, और उन्होंने भगवान को लहू लुहान कर दिया, खून से सना दिया है, घाव निर्माण किए हैं, लेकिन भगवान उससे क्रुद्ध होने का केवल एक नाटक कर रहे हैं। तो भगवान क्रुद्ध होने का नाटक कर रहे हैं, और क्रुद्ध है कि नहीं है वो पता नहीं। तो बाह्य रूप तात्पर्य में बताते हैं कि बाह्य आवरणों से या बाह्य घटना से हमको ऐसे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति कृष्ण का कितना बड़ा शत्रु है, कृष्ण के ऊपर इतना आक्रमण किया है, लेकिन उसको हम जज नहीं कर सकते हैं, उसको हम मन में ये सोच, मन में हम उसको निर्णय नहीं ले पाते, ले सकते हैं कि इस प्रकार से इस भक्तों का बर्ताव भगवान के लिए संतुष्टि दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो भक्तों का भगवान के प्रति जो आदान प्रदान है, हर एक जीव का, हर एक भक्तों का, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है, तो वो भगवान हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भगवान किसकी सेवा स्वीकार करेंगे और किसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे वो हम नहीं सोच सकते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हम उसे जज करते हैं कि कोई नया भक्त है या नवसिख्या है, भगवान भक्ति में आ रहा है। गोविंद प्रभु एक बार एक उदाहरण दे रहे थे कि वो बस पार्टी में थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस पार्टी में, और वहां पर
बस पार्टी में डिटीज भी होते हैं बैक साइड में, और उनके रोज मंगल आरती वगैरह, श्रृंगार दर्शन सब कुछ होता है। उसके बाद बुग्गी सुविंग के लिए निकलते हैं। तो वहां पर उनके श्रृंगार दर्शन चल रहा था, भगवान का सुंदर श्रृंगार हुआ था और आरती चल रही थी, कीर्तन चल रहा था सारे भक्त। और वहां पर एक लड़का आया जो वो यही के लोकल गांव का था, साउथ साउथ में थे एक्चुअली कहीं पर वो, और उसके एक हाथ में कुछ तो मांस का टुकड़ा था, खा रहा था। लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे लोग श्रृंगार आरती में भगवान को फूल अर्पण कर रहे, तो वो वहीं से वहां से चला गया। बाजू में कोई फूल का कोई पेड़ था, वहां से कुछ फूल तोड़ के लेकर आया, ऐसा गुच्छा उसने, और एक हाथ में खा रहा है और एक हाथ में उसने ऐसे फेंका भगवान के साथ उछाला कि बराबर जाकर भगवान के चरणों में गिर गए। तो वो बता रहे थे कि ये ऐसे लग रहा था कि ऐसे 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 कैसे हो सकता है कि हम भी ऐसे उछाल दें, लेकिन बराबर भगवान के चरणों में जाना इतना आसान नहीं। और वो छोटा लड़का था, तो वो बोले कि यहाँ पर हम लोग अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते भगवान, वो एक हाथ में उसका मीट है क्या खा रहा है। अभी भगवान को कुछ अर्पण करना है तो हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर, खाना पीना तो मुंह में हाथ डाला तो दूषित हो गया वो, लेकिन अभी ये तो एक एक तो दूषित भी है लेकिन क्या खा रहा है वो भी एक है। तो वो कह रहे थे कि भगवान ऐसे कृपालु होते हैं कि ऐसे भक्तों को भी उनकी भी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे दृष्टिकोण से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोई किस प्रकार से कर रहा है उसके बारे में हमने अपराध मूड में नहीं देखना चाहिए, अपराध भावना में नहीं देखना चाहिए कि वो भक्त किस प्रकार से कर रहा है या ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा, भक्तों के बीच में जब कोई आदान प्रदान होता है तो वो भी हम समझ नहीं सकते, ठीक मतलब सोच नहीं सकते। कभी कभी अगर ऐसा हो कि एक माँ है और एक लड़का है उधर, एक एक स्त्री है उसके बाजू में एक लड़का है, और वो स्त्री वो लड़के को डांट रही है, फटकार रही है, तो हम कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि अरे ये इसका और ये लड़के का दोनों का जमता नहीं है, दोनों का झगड़ा है, दोनों के प्रॉब्लम्स है रिलेशन में। हमने एक सीन देखा और एक सीन से हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि दोनों का रिलेशन कैसा है। उसी प्रकार से पति पत्नी का भी झगड़ा होता है, हर एक पति पत्नी का झगड़ा होता ही है, लेकिन थर्ड पर्सन ने अगर थर्ड पर्सन अगर बीच में आ गया और अगर बोलने लगा कि देख तेरा पति ना ऐसे ही रहता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही करता है, तो पत्नी उधर चुप नहीं बैठेगी, वो तुरंत ऊपर आएगा, बोलेगी हे मेरे पति के बारे में बोलना मत कुछ भी, हमारा जो झगड़ा हो गया वो आपस में हमारा है, तो बीच में मत आओ, और दोनों पकड़ कर उसको थर्ड पर्सन को मारेंगे, ऐसा ऐसा होने की संभावना है। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है, कोई अगर व्यक्ति है, कोई भक्त है, दूसरे भक्तों को डांट रहा है, तो कभी कभी हम थर्ड पर्सन अगर मन में सोचते हैं कि हाँ इन दोनों का नहीं जमता है, इन दोनों का प्रॉब्लम है शायद, रिलेशन में प्रॉब्लम है शायद, हमको इसके बारे में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा के तौर पर वहां पर अगर आवश्यकता है तो उस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। हमें अपने तरीके से वो या अपने काम से या अपनी सेवा से मतलब रखना आवश्यक है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उस हर चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान के साथ उनके भक्तों का आदान प्रदान, विशेष करकर भीष्म पितामह का, ये समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है। श्लोक नंबर 39 वंदना सिंह माता जी पढ़िए। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, घृतहयराश्मिनीताश्वे क्षणीये, घृतहयराश्मिनीताश्वे क्षणीये, भगवती रतिरास्तु मे मुमूर्षो। भगवती रतिरास्तु निरीक्ष हता गता स्वरूपम्। यमि निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो,
मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। देखिए ये है समाधि प्रभुपाद, जिसको भक्त की समाधि बोलते हैं कि जो भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाए भगवान के तो एक तो आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं, ये आंख खोलकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दोनों अवस्था में व्यक्ति अगर शरीर त्यागता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है, लेकिन योगियों को यांत्रिक अवस्था में उसका प्रयास करना पड़ता है और यांत्रिक पद्धति से मन की एकाग्रता करने के बाद वो समाधि के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान की दिव्य सेवा में कंटिन्यूस एक रूप से अगर लगा रहे तो वो उसके लिए समाधि है। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्ति की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव से होती है। और फिर तो पार्थ, अर्जुन तो कृष्ण के पीछे थे, लेकिन युधिष्ठिर विष्णु पितामह उनके सामने थे, इसलिए वो पूरी तरह से अच्छे से उनका दर्शन कर पाया। रुपये तात्पर्य में लिखते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। तो जिन जिन लोगों ने मरते समय प्राण गवाए थे, प्राण छोड़े थे, वो सारे के सारे लोग भगवान के स्वरूप, क्योंकि भगवान के स्वरूप को देखते देखते प्राण छोड़ा है, तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होंगे। भगवान के जैसे स्वरूप प्राप्त हुआ मतलब उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। तो सारूप्य मुक्ति स्वरूप भगवान के जैसे रूप, और आगे चलकर वो श्लोक आएगा कि जहाँ पर तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम। हाँ, वो कृष्ण के मुख का दर्शन करते हैं। तथैव च अन्य नर लोक वीरा, इतने सारे वीर लोक है नर, तो कृष्ण के मुख को अवलोकन कर रहे थे। कृष्ण मुखारविंदम और पार्थस्त पूता, एक मिनट गोपाल, पार्थस्त पूता पदम आपुरस्य, पार्थ के शस्त्र पार्थास्त्र पार्थ के अस्त्र से वो ये हो गए, पूता शुद्ध हो गए, अस्त्र से शुद्ध हो गए। कभी कभी ऑपरेशन की सुई, डॉक्टर की सुई भी आवश्यकता होती है ना हमको शुद्ध करने के लिए, तो उसी प्रकार से। एक्चुअली मैं ना खिड़की के बाजू में बैठा है इसलिए ठंडी हवा आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो नेट नहीं है। तो अतएव भगवान कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, दूसरे पक्षों पर भी कृपालु थे और उन्होंने सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी वही सुरक्षा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी कि यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला जाए कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से हो, अपना स्वरूप प्राप्त करता है, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो देखिए भगवान का अभी देखो ना कि मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम खत्म हुआ अभी और प्रसाद बट रहा है, और बाकी भक्त, एक भक्त रास्ते में है और किसको फोन करके बोल रहा है कि अरे वो मुझे लाने में ना थोड़ा 15 मिनट लेट हो जाऊंगा मैं, तो प्रसाद चलो, कह रहे प्रसाद चलो, तो बोलते अरे चलो ही चलो आ जाओ। बोला कितना तक समय तक रोके, बोला आधे घंटे तक चलेगा, आ जाओ बोले बिंदा सर। तो वो आदमी को आशा रहती कि हाँ अरे प्रसाद बट रहा है तो मुझे भी मिल ही जाएगा, मैं समय पर पहुंच ही जाऊंगा। तो अरे भीष्म पितामह ने हमें भी इधर देखा था कि इतने सारे मर गए भगवान को देख देख के, सब अपने भगवत धाम अपने वापस जा रहे हैं भगवान को देख देख कर, तो मेरा भी एक आशा है कि लास्ट में बचा हुआ तो मुझे भी भगवत धाम जाने का अवसर मिल ही जाएगा। तो इसलिए वो ये आशा लेते हैं कि आप सबके प्रति समान कृपालु हो भगवान, मेरे लिए भी ये अवसर है और एक आशा है कि आप मेरे सामने इस प्रकार से प्रकट हो जाओगे, और अभी उनके सामने प्रकट भी हो गए हैं।
तो अपने भगवान अपने तो ये उनको इनडायरेक्टली ये कहते हैं विष्णु पिता महिंद्र देते हैं भगवान को कि आपने उनके ऊपर जैसे कृपा की, अभी आप मेरे लिए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे समक्ष आप प्रकट हुए हो, इसलिए भगवान को भी धन्यवाद देते हुए दे दे रहे वो। अगला श्लोक पढ़िए, श्लोक नंबर 40, आनंद शाह श्लोक पढ़िए। प्रभु जी आपके नहीं है, नहीं पास बुक नहीं है? ओके, मेरे पास शेयर का ऑप्शन नहीं है। ओके, और किसके पास है क्या उधर? सदाचार चतन वो है, हाँ वसा। ललित गति विलास वल गुहासा, ललित गति विलास वल गुहास। प्रणय प्रणय निरीक्षक प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाणा, निरीक्षण कल्पितो रुमानः। कृत मनो कृत वात्य उन्मदांधा। कृत मनु कृत वत्य उन्मन दांधा। प्रकृति मगन किलयस्य गोपवद्भा, कृति गण किल यस्य गोपवद्भः। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम के रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्दान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। अभी सडनली सीन चेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि अभी तक उनका जो अपना अनुभव है भगवान के प्रति जो वो देख रहे थे और उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया आप किस प्रकार से मेरे साथ आदान प्रदान किए, तो अभी वो सीन पूरा चेंज करते हुए गोपियों को किस प्रकार से आपने कृपा प्रदान की इसके बारे में वो वर्णन करते हैं, और फिर आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज का भी वर्णन करते हैं उनके राजसूय में वो आए थे, और फिर आगे चलकर हर एक व्यक्ति के साथ वो किस प्रकार से आदान प्रदान करेंगे इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। और आगे दो ही श्लोक है, ठीक है दो श्लोक ले लेते हैं और हम कंप्लीट करते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा, हाँ नहीं सॉरी, हाँ मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतिविधियों का अनुकरण किया, तो इसका भी वो स्मरण कर रहे हैं कि गोपिका कैसे आपके आपके प्रेम 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 वियोग में मग्न थी और आपकी आपका यशोगान कर रही थी और आपकी लीलाओं का अनुकरण कर रहे थे, तो ये इसको ये लीला को वो स्मरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य हम लिखते, देखिए व्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम में सेवा के अति आह्लाद से भगवान के स्थान स्थान भगवान के साथ नाच कर माधुर रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हाथ पर हाथ प्रेम पूर्ण भाव उनके और देखकर उनका साथ एकात्म स्थापित किया था। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे एक भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बताता है, हाँ प्राप्त हो सके, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को मैं देखते हुए अधिक प्रसन्न होते आते हैं। देव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान नहीं किया अभी तो गोपियों का भी स्मरण किया, क्योंकि जिन जिन भक्तों के साथ कनेक्शन भगवान को करते हैं उसकी भी भगवान उनको कृपा मिलती है, तो यहाँ पर गोपियों की कृपा
लाभ या अपेक्षा रखते हुए वो इस प्रकार से गोपिकाओं के साथ जो भगवान का संबंध है उसके बारे में वो वर्णन करते हैं, वो सीन को याद करते हैं, रासलीला के सीन को याद करते हैं मृत्यु के समय। हाँ, श्लोक क्रमांक 41। कौन पढ़ेगा, कौन दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, फिर के माता जी पढ़िए श्लोक। मुनि मुनि गणा नृपवार्य संकुलेन्ता। मुनि गण नृपवार्य संकुलेन्तः सदसे युधिष्ठिर राजसूय येषाम्। सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हनमुपपेदेक्षणीयो। अर्हणमुपपेदई क्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। मम दृशि गोचर एष आविरात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्व यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। देखिए, युधिष्ठिर महाराज के सामने जो जो घटना घटी इसलिए याद रख रहे थे ताकि भगवान में मन लगा रहे और ताकि भगवान के इसका स्मरण कर सके। भगवान में मन लगा रहे इसके लिए हम कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं, इसलिए हर कार्य करते हैं ताकि भगवान में अभी मन लगा रहे और बाद में उसका स्मरण हो सके। तो मन लगाने के लिए एक विधि है। और कौन सा सीन बता रहे हैं? वो राजसूय यज्ञ का सीन बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी वहां पर सेवा कर रहे थे, सारे लोग सेवा कर रहे थे, कृष्ण भी सेवा कर रहे थे। और वहां पर जो घटना घटी कि शिशुपाल जो बहुत गालियां बक रहा था और भगवान कृष्ण ने उसको कुछ समय बोलने दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और राजस्व यज्ञ में बाधा भी ना निर्माण कर दी। इस प्रकार से वो घटना घटी थी। और रूपा जी तात्पर्य में इसी का वर्णन करते हैं कि ऐसे एक राजस्व अश्वमेध यज्ञ हुआ था, राजस्व यज्ञ हुआ था। और उसमें अग्र पूजा भगवान कृष्ण की हुई थी, की थी। तो अग्र पूजा के लिए कुछ लोग सम्मति पूर्ण थे, कुछ लोगों ने उसका अपोज किया था। इस प्रकार से भगवान अग्र पूजा अग्रणीय है इसलिए उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। इसके बारे में वो अनुमोदन करते हैं, कहते हैं। और ये इस प्रार्थना का लास्ट श्लोक। ऐसे तो अभी दो, एक अभी इसमें हमने ये देखा कि पहले तो विष्णु पिता महा भगवान को आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा मन आप में लगा रहे, मैं अपने मन प्रोसेस लगा रहूं। और मन लगाते हुए वे क्या देख रहे हैं कि अपना खुद का जो भगवान के साथ जो आया संबंध है, जो कि खास करके युद्ध भूमि में है, उसको याद कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। वो भगवान के वर्ण का वर्णन करते हैं, चमचमाते वस्त्रों का वर्णन करते हैं, चंदन चर्चित मुख कमल का वर्णन करते हैं। फिर वो घोड़ों घोड़ों के टापों से उड़ी धूल है जिससे उनका शरीर उसे लदा हुआ है और पसीने से मुखमंडल उनका सुशोभित हो रहा है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और फिर अपने भक्त की आज्ञा का पालन करते हुए वो दोनों सेना के बीच में लेकर आते, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और फिर अपना भक्त अर्जुन जो अज्ञान में डूब गए थे तो उनको फिर से अपने स्थिति में लाने के लिए भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों का वो बखान करते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और फिर युद्ध जब शुरू हुआ तो उसके बाद प्रतिज्ञा बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वो सीन के बारे में वर्णन। और फिर
तो फिर वहां फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर भीष्म उनका उत्तरी नीचे गिरता है। और इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि वो क्या आता है अगले श्लोक में, उनका उत्तर ही गिरता है। और हाँ फिर वो किस प्रकार से रथ हाँकते हैं, दाहिने हाथ में उनका चाबुक है, राइट हैंड में चाबुक है, लेफ्ट हैंड में लगाम है, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, रथ की पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वो सतर्क है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और फिर हाँ इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। और फिर सडनली वो गोपियों की कृपा याचना करने के लिए गोपियों को वो सीन याद करते हैं कि गोपियों को आपने दर्शन दिया मिड रात में, उनके साथ आपने आदान प्रदान किया, और फिर आप भरी रासलीला में वहां से अंतर्धान हो गए, उस सीन को याद कर रहे हैं। और फिर राजस्वी यज्ञ के सीन को याद करते हुए उसके ऊपर वो ध्यान कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने किया। और अभी आखिरी जो श्लोक है इसमें सो कंक्लूड कर रहे हैं भीष्म पितामह, श्लोक नंबर 42, इसको दोहराइए सीमा सिंह माता जी, दोहराइए उसको। हरे कृष्ण प्रभु। मति ममहमजं शरीरभाजं, सॉरी तमि तमि ममहमजं शरीरभाजं। तमी मम अहम अजम शरीरम भाजम। धीष्टितमात्मकल्पितानां, हृदय दृष्टितम आत्मकल्पिता नाम। प्रतिदिशम इव नैकधार्कमेकम्। प्रतिदिशम इदम् न एक अकरम। प्रतिदृशम एव नैकधार्कमेकम्। प्रतिदिशम इवम् न एक अक्रम। समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। समाधिगत असीम विभूत वेद मोहम। थोड़ा कठिन है ना अनुवाद। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधारियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उसके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहने वाले हैं, और उदाहरण देते हैं सूर्य का। तो यहाँ पर भगवान को देखने की जो तीन स्तर बताए गए हैं, परमात्मा स्वरूप, निराकार स्वरूप और प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप, तो ये बाकी दो स्वरूप को या दो स्थिति को पार कर चुके हैं। परमात्मा जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं, तो जैसे सूर्य एक ही जगह स्थित है लेकिन विविध जगह पर दिखते हैं हमको सूर्य, कहाँ कहाँ दिखते हैं, जल में दिखते हैं, घट में दिखते हैं, जहां पर भी पानी हो सब जगह दिखते हैं सूर्य, जहां से देखे वहां से दिखते हैं, लेकिन सूर्य एक एक जगह पर स्थित है। तो उसी प्रकार से इससे अभी मैं आगे निकल गया हूँ, और भगवान को
भले ही भगवान सबके हृदय में रहते हुए हैं, लेकिन मैं अभी भगवान को प्रत्यक्ष यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये परिपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। तो परिपूर्णता के स्तर पर पहुंचते हुए विष्णु पितामह अभी कहते हैं कि मैं भगवान के इस पार्थ सारथी रूप और वृंदावन में गोपियों के सर्वहारी मनोर श्याम सुंदर, इनको ऊपर मैं ध्यान करता हूं। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में निर्विशेषवादियों के भर्त्सना करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसे भगवान के साक्षात स्वरूप को मैं ध्यान करूं और ये जीवन की परम सिद्धि है और समाधि है। और फिर अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 43 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने अभी बोलना बंद कर दिया, कृष्ण एव भगवती मनो वाक् दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मन वेश्य सो अंत श्वास उपारतम। शुद्ध गोस्वामी कहे इस प्रकार भीष्म देव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी सांस रुक गई। तो इस प्रकार से भीष्म देव, और अगले श्लोक में कहते हैं, यह जानकर के भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह का स्थान बहुत बड़ा है। एक्चुअली भीष्म पितामह का 3 बार ऐसे आता है, भीष्म पितामह ने जब कृष्ण जब अभी ये जो प्रसंग है जहाँ पर कृष्ण उनके सामने पहिया लेकर खड़े हैं, भयानक युद्ध हो रहा था और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़े हुए, तो उस समय सारा युद्ध मौन हो गया, शांत हो गया, उसके बाद 9 मौन युद्ध हुआ, वो दिन तक स्थगित हो गए। और दूसरी बार जब 10वें दिन भीष्म पितामह धनुष बाणों से जब पूरी तरह से लदे हुए थे और घायल होकर मूर्छित होकर गिर गए थे, तो भीष्म पितामह जैसे ही गिर गए रथ से नीचे बाणों के शैया पर, तो उस समय युद्ध उसी दिन उस समय समाप्त हुआ। उसके बाद आगे सब कुछ मौन और शांति फैल गई दोनों पार्टियों में। भीष्मदेव एक ऐसे व्यक्ति थे कि दोनों पार्टियों में उदासी छा गई थी। और यहाँ पर तीसरे टाइम में आ गए भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर इतने सारे कार्य करने के बाद अभी वो शांत हो गए, मन वाणी दृष्टि और कार्यों से परमात्मा में एक रूप हो गए, कृष्ण में अपना मन लगा दिया और वो शांत हो गए। तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए अंत में सारे लोग भी मौन हो गए। इस प्रकार से विष्णु पितामह लास्ट के समय इन्होंने भगवान के बारे में उन्होंने दिव्य ज्ञान या कर्तव्य के बारे में ज्ञान उन्होंने प्रदान किया युधिष्ठिर महाराज को। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी को भी विष्णु पितामह की तुलना की जाती है कि विष्णु पिता प्रभुपाद जी भी अपने लास्ट स्टेज में जब थे, तो डेथ बेड पर भी थे, तो उस समय भी ट्रांसलेशन कर रहे थे, भागवतम का भाषांतर कर रहे थे, तो लाख क्षण तक वो ज्ञान प्रदान कर रहे थे हम जैसे बद्ध जीवों के, जो कि अपने कर्तव्य के प्रति कंफ्यूज है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज थे, ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज हमारे स्तर पर नहीं है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये सब कार्य किया। तो बहुत बड़ा स्थान है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ये भगवान के शाश्वत सेवक है और भीष्म पितामह भगवान के आध्यात्मिक धाम में शाश्वत संगी है, लेकिन इस भौतिक जगत में ये जो भगवान की लीला में साथ देने के लिए वो वसु, जो 8 वसु है जो देवताओं में उनकी गणनी होती है, उसमें से एक है प्रभास वसु, उनके रूप में वो आए थे। लेकिन जब भीष्म पितामह अपने कार्य संपन्न करके जब चले गए, तो देवलोक में वसु के रूप में वो अपना अंश रूप में वो स्थित हो गए, जो वसु थे, लेकिन वो मूल स्वरूप में जो भगवान के भक्त है वो अपने भगवत धाम वापस चले, क्योंकि यहाँ पर वर्णन आता है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, लेकिन देवतागण जो भगवान को भगवान की लीला में सेवा करने के लिए आए थे वो भगवत धाम नहीं गए, वो अपने देवलोक में वापस चले गए और वहां पर अपना कार्य करने। लेकिन भीष्म पितामह ये ट्विंस कॉम्बिनेशन था, भीष्म पितामह साक्षात और वसु के देवता, वसु के रूप में। तो ये आध्यात्मिक जगत में केवल पॉसिबल है,
कि दो दो सौ रुपये एकत्र आते हैं, जैसे अन्य जगह पर भी इसका वर्णन मिलता है। हरे कृष्णम यहाँ पर रुकते। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु 40 श्लोक नंबर 40 में श्री भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियों को श्री भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके सर श्री भगवान के साथ एकात्म हो गई। और नीचे बोला है कि भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समत्वपूर्ण अल्लाह की अवस्था है। ये क्या है प्रभु जी, समत्व अल्लाह की तो या इसके आगे भी लिखा गया है, दो जगह पर ऐसा आएगा, क्योंकि विष्णु पितामह कार्य में आगे लिखा गया है कि इस प्रकार विष्णु पितामह शांत हो गए, कार्य वाणी मौन उनके कार्यों से भगवान में लीन हो गए। तो ये लीन का जो अर्थ आता है ना, तो बहुत बार लोग लीन गोपियों के बारे में आता है लीन का अर्थ, तो लीन का अर्थ आता है कि खो जाना, उस विचारों में खो जाना। ऐसा नहीं कि लीन जैसो जैसो सायुज मुक्त, मतलब निराकार भगवान के तत्वों में मिलन। भावना। ते लीन होना है, ये लीन होना वेगळं आहे। मला समज अजून नाही समजलं हे तर डायरेक्ट सायुज्य नावाज झालं। हरे कृष्णा प्रभु जी का नेट का प्रॉब्लम है तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो। हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि लीन लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि परमेश्वर और जीव का जो स्वभाव है, जो सेवा का तत्व है, तो एक जीव भगवान की सेवा के इसमें स्थिर होता है तो वो लीन है, वो एक नहीं हो सकते दोनों। तो लीन का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे का मूल स्वभाव में स्थिर हो गए, तो ये उनका अर्थ है। जैसे गोपी भगवान के माधुर्य जो उनका उच्च भाव है उसमें स्थित होते हैं, और बाकी के जीव अपने अपने स्वभाव अनुसार उनके स्वभाव तत्व में स्थिर होते हैं। उन्हें उनका अर्थ है कि वो लीन हो गए, मैंने वो एक दूसरे के मूल स्वरूप में स्थित हो गए। तो एक दूसरे को मायावाद तत्व में कि एक ही होना जीव और परमेश्वर, वो मुक्ति का जो डेफिनेशन है वो नहीं होता है कि हम एक नहीं हो सकते भगवान और हम, बल्कि हम एक सेवा तत्व में स्थिर होना, इसे अचिंत भेदाभेद तत्व है कि हम हमारा जो स्वभाव है उसमें स्थित होना वो एक रूपता है, ना कि हम क्वांटिटी वाइज एक रूप हो सकते। क्वांटिटी वाइज तो हम एकदम अंश है, भगवान जो है बहुत मैग्निफाइड है, लेकिन हम सेवा तत्व में जो हमारे मूल स्वभाव में स्थित होना वो अर्थ है बताए। तो यहाँ पे सातवें अध्याय में प्रभु जी ने सातवें अध्याय का 7.7 और 7.10 ये दो श्लोका लर्न करने के लिए बोला है। फिर के प्रभु जी वो 6.10 नहीं है, 7.10 है, आत्मरामच्छ मुनयो ये श्लोक हाँ, लर्न। सेवन पॉइंट तीन और कौन सा माता जी? 7.10 और 7.7 और 7.10 मैंने देखा ना, तो 6.10 वो आत्मरामच्छ मुनियो नहीं है, 7.10 आत्मरामच्छ मुनियो। तो ये सेवन और 7.10 और सिक्स छठवें अध्याय में कंफ्यूजन था, पूछने वाली थी तो वो एक ही श्लोक है छठवें अध्याय का, लेकिन सातवें का दो श्लोक लर्न करना है। 7.7 7.10 दो फेमस श्लोक है वो 7.7
यस्या वै शूय माणा नाम कृष्ण परम पुरुषे तो वो और आत्मरामर्च निर्गंत अपि उरुक्रमे, तो ये दो श्लोक लर्न करना है का प्रभु जी बोलेंगे, ये दो श्लोक लर्न करना है ऐसा प्रभु जी ने मैसेज दिया था। सावया मतलब मैं कंफ्यूज है, 42 तो मेगा से 42 श्लोकस नहीं है त्याच्यामध्ये, हाँ तो कन्फर्म करून घेऊ। मांचा कल्पतरु विश्व कृपा से पतिता नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।